हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आशा करता हूँ कि आप सबने दीपावली अच्छे से मनाई होगी। और गाइस, अपनी क्लास चल रही थी सीड की, तो सीड में अपने एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज अपना दूसरा लेक्चर है सीड के अंदर है, तो सीड की में आगे अपन कंटिन्यू नहीं करते हैं। पहला लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया था, तो पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था सीड, सीड के बारे में क्या होता है सीड, टेस्ट वेट क्या होता है, सीड इंडेक्स क्या होता है। लास्ट अपन का टॉपिक था टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स गाइज मैंने आपको बताया था 100 बीजों का भार, और टेस्ट वेट बताया था गाइज मैंने 1000 दानों का भार। तो गाइज ये चीज ध्यान रखना। इसके आगे अपन पढ़ते हैं, तो इसके आगे आता है गाइज रियल वैल्यू, वास्तविक मूल्य। क्या होता है वास्तविक मूल्य? तो गाइज अगर कोई भी फसल है, बीजों का अगर वास्तविक मूल्य देखा जाए तो 75% से अधिक होना चाहिए। तो गाइज ये चीज ध्यान रखना, बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। तो गाइज आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे रियल वैल्यू, वास्तविक मूल्य। तो गाइज अपना आज टॉपिक है वास्तविक मूल्य। जिसे अपन आरबी के नाम से भी डिनोट करते, आरबी की फॉर्मूला रियल वैल्यू। इसको अपन वास्तविक मूल बोलते हैं। तो गाइस बीजों का वास्तविक मूल 75% से अधिक होना चाहिए। तो गाइस इसमें लिख लो बीजों का वास्तविक मूल 75% तो गाइस इसमें आता है बीजों का वास्तविक मूल्य गाइस वो 75% से अधिक होना चाहिए। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, बीजों का वास्तविक मूल्य कितना होना चाहिए गाइस, वो होना चाहिए 75% से अधिक। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, रियल वैल्यू क्या होती है? रियल वैल्यू होती है बीजों का वास्तविक मूल्य है वो 75% से अधिक होना चाहिए। तो गाइस इसके लिए फॉर्मूला क्या है, बीजों के वास्तविक मूल्य के लिए फॉर्मूला क्या है गाइस? तो अपन लिखते हैं वास्तविक मूल्य तो गाइस वास्तविक मूल्य का फॉर्मूला क्या है? तो गाइस इसका फॉर्मूला लिखो अंकुरण प्रतिशत इनटू शुद्धता बटे 100। तो गाइस बीजों का वास्तविक मूल्य का फॉर्मूला अंकुरण प्रतिशत बचे शुद्धता इनटू 100। ये होता है गाइस बीजों का वास्तविक मूल्य, इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइस इस पर अपन एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। तो गाइस बीजों, ये कुछ गाइस टर्म्स है जो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेंगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बीज के अंदर, आपको ये चीज पता है तो बीज का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। तो गाइस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बीज में अपन को पढ़ना क्या है। तो बीजों में अपने को ये पढ़ना है टेस्ट वेट क्या होता है, सीड इंडेक्स क्या होता है, कटाई सूचकांक क्या होता है, वास्तविक मूल्य क्या होता है। ये सब चीज गाइस आपके काम आएंगी, और मेन एग्जामों में जो भी अपन कंपटीशन एग्जाम देते हैं उनके अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस अपने को पता होना चाहिए इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अपन इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं गाइस, वास्तविक मूल्य का इस फॉर्मूला से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। तो गाइस इसका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिखो यदि किसी फसल का अंकुरण प्रतिशत तथा शुद्धता 90% है तो बीजों का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो गाइस ये क्वेश्चन ऐसे इसी टर्म में क्वेश्चन आता है। तो गाइस अपन देखते हैं बीजों का अंकुरण रियल वैल्यू क्या है। रियल वैल्यू बराबर होता है गाइस अंकुरण प्रतिशत
इनटू शुद्धता बटे 100। ये गाइस इसका फॉर्मूला है। तो गाइस इससे कैसे करेंगे, अंकुरण प्रतिशत क्या गाइस 90 इनटू शुद्धता कितनी है गाइस वो भी है 90 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो गाइस इसकी कितनी है 981। 81% क्या है गाइस इसकी रियल वैल्यू। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, रियल वैल्यू ये आ गई अपनी। तो ऐसे क्वेश्चन इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये पैटर्न होता है गाइस क्वेश्चन आने के एग्जाम में। और इस तरीके से अपन रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। रियल वैल्यू का फॉर्मूला अंकुरण प्रतिशत इनटू शुद्धता बटे 100। तो अंकुरण प्रतिशत क्या दे रखी है गाइस 90, और 90 अपने को शुद्धता दे रखी है। तो 90 इनटू 90 बटे 100, दो जीरो से दो जीरो गई, 9 इनटू 9 करेंगे तो गाइस 81। तो रियल वैल्यू क्या है गाइस 81%। तो गाइस ये चीज अपने को है, ऐसे अपन इसको अंकुरण प्रतिशत रियल वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, वास्तविक मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। यह फॉर्मूला है गाइस वास्तविक मूल्य ज्ञात करने का। अगला आता है गाइस बीज दर ज्ञात करना। सबसे बड़ा टॉपिक है गाइस बीज, बीज पढ़ रहे, तो बीज में बीज दर ज्ञात करने का अपना मेन फोकस रहेगा गाइस बीज दर पे। तो बीज दर ज्ञात करने के लिए गाइस दो फॉर्मूला दिए हुए हैं, एक तो अपन टेस्ट वेट से ज्ञात कर सकते हैं, एक अपन सीड इंडेक्स से ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइस अगला अपन टॉपिक है बीज दर। तो गाइस बीज दर ज्ञात करने का फॉर्मूला है, तो गाइस इधर लिख लो बीज दर। तो बीज दर गाइस अपन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में ज्ञात करते हैं। बीज दर गाइस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में ज्ञात करते हैं। तो गाइस बीज दर का फॉर्मूला है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गाइस होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इनटू टेस्ट वेट इनटू 100 इनटू 100। और गाइस बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा आर इनटू पी इनटू आर इनटू पी गाइस मीटर में आती है, अगर सेंटीमीटर में वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करके करेंगे। आर इनटू पी बटे जीपी ग्रोथ प्रोडक्शन इनटू ग्राउंड प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था गाइस, इनटू पी डॉट पी प्लांट प्रोडक्शन इनटू 1000 इनटू 1000। ये गाइस है बीज दर ज्ञात करने का फॉर्मूला गाइस। ये अपन टेस्ट वेट के थ्रू ज्ञात कर रहे हैं, सीड इंडेक्स का फॉर्मूला अलग है। तो गाइस जो जीडी जीपी है वो है गाइस अंकुरण प्रतिशतता, और गाइस जो पीपी है ये है गाइस शुद्धता, प्योर प्रोडक्शन शुद्धता प्रतिशत। तो गाइस जीडी जीपी की फुल फॉर्म में ग्राउंड प्रोडक्शन अंकुरण प्रतिशतता, और पीपी की फुल फॉर्म में गाइस प्योर प्रोडक्शन शुद्धता। तो गाइस ये फॉर्मूला तो है, अपन टेस्ट वेट के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं गाइस, ये चीज ध्यान रखना टेस्ट वेट के लिए। तो ये फॉर्मूला है। अगला आता है गाइस सीड इंडेक्स के द्वारा। तो गाइस नीचे लिख लो बीज दर, ये भी अपन गाइस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला गाइस क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर इनटू सीड इंडेक्स इनटू 100 इनटू 100। अगला आता गाइस इसके बटे में अपन लिखेंगे आर इनटू पी, आर मतलब होता है गाइस रो, पी मतलब होता है प्लांट, कतार से कतार की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी, ये चीज ध्यान रखनी गाइस। आर आर बराबर होता है रो कतार, और पी बराबर होता प्लांट पौधा। तो गाइस आर इनटू पी का मतलब कतार से कतार की दूरी, और पी का मतलब पौधे से पौधे की दूरी, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इनटू ग्राउंड प्रोडक्शन इनटू प्योर प्रोडक्शन इनटू 100 इनटू 100 1000। ये गाइस अपने को ध्यान रखनी है, इसके अंदर सिर्फ एक ही यहाँ ही चेंजमेंट होता है, यहाँ 100 आ जाता है, बाकी सेम रहता है 1000। तो गाइस ये चीज चेंजमेंट है, बस यहाँ सीड इंडेक्स आएगा, यहाँ एक जीरो कम हो जाएगी, यहाँ पर 1000 रहता है। तो गाइस ये फॉर्मूला है सीड इंडेक्स के थ्रू, ये फॉर्मूला है गाइस टेस्ट वेट के थ्रू। अगर क्वेश्चन में टेस्ट वेट दे रखा है तो ये फॉर्मूला काम करेगा, अगर क्वेश्चन में सीड इंडेक्स दे रखा है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो गाइस ऐसे अपन बीज दर ज्ञात करते हैं। तो गाइस बीज दर ज्ञात करने का अपन एक
क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन है, यदि गेहूं के खेत में गेहूं की फसल का टेस्ट वेट या परीक्षण भार दो सौ किलोग्राम है तथा उसका जीपी 80% और प्योर प्रोडक्शन 90% हो तो बताओ फसल की बीज दर क्या होगी यदि आर इंटू पी बराबर 60:40 है तो। तो गाइस ये ऐसा क्वेश्चन है, यदि गेहूं की फसल का टेस्ट वेट 200 ग्राम है और उसका जीपी है 80%, प्योर प्रोडक्शन है 90%, तो बताओ फसल की बीज दर क्या होगी यदि आर इंटू पी बराबर 60:40 है तो। तो गाइस अपन इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगेगा है अपना टेस्ट वेट वाला। तो गाइस क्षेत्रफल अपने को दिया नहीं है तो अपन एक एक हेक्टेयर के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो गाइस यहां लिख लो, एक हेक्टेयर का क्षेत्रफल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर के लिए क्षेत्रफल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर ये 5 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर के लिए बोलते तो इसको उससे गुणा कर देते तो अपन को उसमें, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना गाइस अगर यहां पे कोई भी संख्या नहीं दे रखी है तो अपन मेनली एक हेक्टेयर के लिए ज्ञात करेंगे। तो एक हेक्टेयर के लिए क्षेत्रफल होगा गाइस 10,000, ठीक है। तो फॉर्मूला लगेगा बीज दर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ट वेट कितना दे रखा है 200 इंटू फॉर्मूला में गाइस 100 इंटू 100। तो गाइस अब नीचे की संख्या को जमा लेते हैं, आर इंटू पी कितना दे रखा है गाइस, ये गाइस सेंटीमीटर में है, 60 इंटू 40। तो गाइस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं गाइस, तो एक सेंटीमीटर बराबर 100, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो गाइस एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक सेंटीमीटर बराबर, तो गाइस इसको अपन बदलेंगे 60 को, तो गाइस 60 को अगर बदलेंगे तो एक मीटर में कितना होता है गाइस 100 सेंटीमीटर होते हैं, 60/100 बराबर आ जाएगा 0.6 करके देख लो गाइस 0.6 आ जाएगा। ऐसे गाइस अपन 40 को बदलेंगे 40/100, 10 गई, 10 ये आ गया 0.4। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, इधर लिखना 0.6 × 0.4, ठीक है गाइस। अब इनटू ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का मीटर गुना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इनटू ग्राउंड प्रोटेक्शन क्या गाइस 80, इनटू प्योर प्रोटेक्शन क्या गाइस 90, इनटू 1000 × 1000। ये गाइस अपन ने फॉर्मूला में फिल अप कर दिए, पूरे अपन ने फॉर्मूला में सब चीज जमा दी, अब इनको अपन सॉल्व करते हैं। तो गाइस 2 जीरो से 2 जीरो गई, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, इससे ये गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। तो गाइस ये तो पूरी समाप्त हो गई। अब गाइस बचा ये 1 जीरो से 1 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया। अब गाइस संख्या क्या बची है, संख्या बची है 100 इंटू 2 अपॉन 0.6 इंटू 0.4 इंटू 8 इंटू 9, ये संख्या बची है गाइस अपने पास,
ठीक है। अब पॉइंट छह इंटू पॉइंट चार करेंगे तो ये आएगा गाइस पॉइंट चौबीस, ठीक है गाइस पॉइंट चौबीस आएगा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं आगे, पॉइंट छह इंटू पॉइंट चार करेंगे तो गाइस ये आएगा पॉइंट चौबीस, एक संख्या दो संख्या छोटे पॉइंट लगेगा। तो गाइस इसको सॉल्व कर लू, 2000 बटे पॉइंट चौबीस इंटू आठ इंटू नौ, ये गाइस अपने पास संख्या। गाइस पॉइंट को हटाने के लिए इधर एक संख्या बढ़ा देते हैं, तो गाइस ये एक संख्या बढ़ गई इसका गाइस नौ। तो इसको सॉल्व करो गाइस, आगे करते हैं अपन, 20000 बटे 1728 गुना आप कर लेना गाइस, मैंने कर रखा है इसका गुना 1728। तो गाइस इसका आंसर आएगा लगभग 11.62, 11.62। तो गाइस इसकी बीज दर बराबर आप सॉल्व करना गाइस, मैंने कर लिया इसको पहले सॉल्व, बीज दर होगी गाइस 11.62। तो मक्का की बीज दर कितनी होगी गाइस, गेहूं की बीज दर कितनी होगी गाइस, गेहूं की बीज दर होगी गाइस 11.62 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो गाइस ये इसकी बीज दर है, ये चीज आपको इस ऐसे फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो गाइस ये आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये गाइस फॉर्मूला है। अगर इसके अंदर अपने को यहां बोलते सीड इंडेक्स, तो अपन यहां पे सीड इंडेक्स लिख देंगे, सीड इंडेक्स वाला फॉर्मूला देंगे, इधर से एक जीरो कम हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां पे सीड इंडेक्स सेम है तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो कम हो जाएगी, तो इधर एक जीरो कहीं ना कहीं बचेगी, तो वो कर लेना गाइस आप इसको। तो गाइस ऐसे फॉर्मूला में आप क्वेश्चन प्लग कर लेना, आपका आंसर गाइस यही आएगा। आप एक बार करके देखना गाइस, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा। तो गाइस ये होता है ऐसा अपन बीज दर ज्ञात करते हैं, ठीक है गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे आता है गाइस कटाई सूचकांक, कटाई सूचकांक क्या होता है गाइस, आगे आता है गाइस कटाई सूचकांक एच आई से डू नोट करते हैं इसे, इसे बोलते हैं कटाई सूचकांक। कटाई सूचकांक क्या होता है गाइस, तो कटाई सूचकांक गाइस किसने खोज की थी, तो कटाई सूचकांक के गाइस खोज करता है डोनाल्ड, डोनाल्ड नामक वैज्ञानिक ने कटाई सूचकांक की खोज की थी। और सर्वाधिक सबसे अधिक कटाई सूचकांक होता है गाइस चारे वाली फसलों को, चारे वाली फसलों को अपन एक से दो से अधिक बार काटते हैं, जैसे अपन किसी को ज्वार बोते हैं तो ज्वार को अपन चारे के लिए दो या तीन बार काटते हैं, तो सर्वाधिक कटाई सूचकांक होता है चारे वाली फसलों का। और सबसे कम कटाई सूचकांक होता है दलहनी फसलों का, और दलहनी फसलों में अगर जो बात करें तो दलहनी फसलों में सबसे कम कटाई सूचकांक होता है अरहर का 19%। तो गाइस इसके लिख लो खोज करता, खोज करता है गाइस डोनाल्ड, खोज करता डोनाल्ड तो गाइस, और इसका लिख लो सबसे अधिक कटाई सूचकांक, तो भाई सबसे अधिक कटाई सूचकांक होता है चारे वाली फसलों का। ये होता है 100%, सबसे अधिक कटाई सूचकांक होता है चारे वाली फसलों का 100% होता है, और सबसे कम कटाई सूचकांक होता है दलहनी फसलों का। वो होता है दलहनी फसलों का। और गाइस दलहनी फसलों में भी बात करें, दलहनी फसलों में होता है गाइस अरहर का, अरहर का नाम है केजानस केजान, बॉटनिकल नेम है अरहर का, ये होता है 19%। ठीक है गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी, कटाई सूचकांक में इतना ही पूछा जाता है। अब गाइस कटाई सूचकांक का फॉर्मूला क्या, कटाई सूचकांक का फॉर्मूला गाइस अधिक उपज, अधिक उपज बटे जैविक उपज इंटू 100। अब अधिक उपज क्या होती है, दानों की उपज जो होती है उसे बोलते हैं अधिक उपज, और जैविक उपज क्या होती है दाना प्लस चारा। तो गाइस इसका अपन फॉर्मूला भी लिख लो,
कटाई सूचकांक का फॉर्मूला, तो इसका होता है अधिक उपज तो गाइस अधिक उपज होती है दानों की उपज बटे जैविक उपज। जैविक उपज में क्या आता, दाना प्लस चारा इंटू 100। तो गाइस ये होता है कटाई सूचकांक का फॉर्मूला, दानों की उपज बटे दाना प्लस चारे की उपज इंटू 100, ये होता है गाइस कटाई सूचकांक। अब गाइस इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस कटाई सूचकांक क्या होता है। तो क्योंकि गाइस ये फॉर्मूला गाइस आपको ध्यान रखने होंगे, इसके अंदर फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाओं का ये गाइस इसके अंदर बीज टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्मूला दिए गए और फॉर्मूलाओं से गाइस कई क्वेश्चन बनते हैं। तो न्यूमेरिकल अधिकतर इसी चैप्टर से बनते हैं गाइस, इससे और प्लस अपन उर्वरक ज्ञात करते हैं उससे। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, उर्वरक ज्ञात करने वाले चैप्टर से और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा फॉर्मूला पूछे जाते हैं। तो गाइस अपना अगला क्वेश्चन लिखते हैं, यदि तो गाइस क्वेश्चन लिखो, यदि गेहूं के खेत में 20 की उपज दानों की उपज, बीजों की जगह दाने लिख लो, दानों की उपज 20 ग्राम है तथा चारे की उपज 40 ग्राम है, तो फसल का कटाई सूचकांक क्या ज्ञात कीजिए। तो यार क्वेश्चन ऐसा आता है, फसल का कटाई सूचकांक ज्ञात कीजिए, दानों की उपज इतनी है, बीज की उपज इतनी है, तो उसका कटाई सूचकांक। तो गाइस इसके लिए अपन सीधा करते हैं, इसका क्वेश्चन हल करते हैं। तो कटाई सूचकांक बराबर पहले आता है गाइस दानों की उपज, तो दानों की उपज क्या है गाइस 20 ग्राम 20 और प्लस नीचे बटे में क्या आता है गाइस दाने प्लस चारे की उपज, तो दाने की उपज क्या है गाइस 20 प्लस दाने की उपज क्या है गाइस 40 इंटू 100। तो यार फॉर्मूला है बीज की उपज बटे दाने प्लस चारे की उपज इंटू 100। तो गाइस इसको अपन दाना या बीज एक ही बात है, दाने की उपज बटे दाना प्लस चारे की उपज इंटू 100 सॉल्व करो गाइस इसको, तो 20 अपॉन 60 इंटू 100 यही आएगा, 10 से 10 गई इधर आ गया गाइस 200 अपॉन 6। अब काटो इसको, 6 18 6 18 6 18 6 18। तो गाइस इसकी आएगा आंसर 33.33, काट के देख लेना गाइस आप। तो इसका आयचर कटाई सूचकांक गाइस इस फसल का 33.33। तो गाइस कटाई सूचकांक अपन इस तरीके से ज्ञात करते हैं, दानों की उपज बटे दाना प्लस चारे की उपज इंटू 100। तो आप सोल्व करके देखना गाइस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे। अगला आता है बीज उत्पादन, बीज उत्पादन क्या है, बीज उत्पादन अगला टॉपिक है गाइस, कौन कौन से बीज हैं जिनको भारत में अपन बोते हैं और कौन से बीज का कलर का टैग का रंग क्या होता है, किस बीज का क्या नहीं होता है, तो वो चीज अपन गाइस पढ़ेंगे। तो गाइस बीज उपज बीज उत्पादन अगला टॉपिक गाइस बीज उत्पादन, बीजों का उत्पादन मतलब बीजों को किस तरह बनाया जाता है। तो गाइस बीज उत्पादन क्या है, बीजों का उत्पादन कौन कौन से बीज अपन बोते हैं, बोने के काम में किसको लेते हैं, आनुवांशिक शुद्धता किस बीज में सर्वाधिक पाती है, टैग का रंग क्या होता है, वो चीज गाइस अपन पढ़ेंगे। तो गाइस इसके लिए ट्रिक है गाइस, छोटी सी ट्रिक है गाइस, आपको जैसा अच्छा लगे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कर सकते हो, लेकिन गाइस मैंने ट्रिक से याद कर रखा है। तो इसकी ट्रिक है गाइस, केपी अपने आधार कार्ड को पंजीकृत या प्रमाणित
करवा के लाओ। तो गाइस ट्रिक है केपी अपने आधार कार्ड को पंजीकृत या प्रमाणित करवा के लाओ। तो गाइस अब इससे बनेगा कैसे, तो गाइस कैसे बनता है केंद्रक बीज, केंद्रक बीज पी से बनेगा गाइस प्रजनक, और भाई आगे बनेगा आधार, तो आधार बीज, आगे है पंजीकृत, तो आगे है गाइस पंजीकृत बीज, और गाइस नीचे है प्रमाणित, तो आगे है गाइस प्रमाणित बीज। तो गाइस छोटी सी ट्रिक है केपी अपने आधार कार्ड को पंजीकृत या प्रमाणित करवा के लाओ। तो गाइस इधर लिख लो टैग का रंग, ठीक है। अब अपन देखते हैं इन बीजों के बारे में पढ़ते हैं गाइस। तो इन बीजों में क्या होता है गाइस, जो भी केंद्रक और प्रजनक बीज होते हैं, तो गाइस इनमें आनुवांशिक शुद्धता सर्वाधिक पाई जाती है, मतलब कि 100% आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है गाइस इनके अंदर। आनुवांशिक शुद्धता सर्वाधिक पाई जाती है केंद्रक बीज और प्रजनक बीज के अंदर, आनुवांशिक शुद्धता सर्वाधिक पाई जाती है गाइस, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। आधार बीज को क्या बोलते हैं गाइस, मातृक बीज, आधार बीज को मातृक बीज, या गाइस इसको मदर सीड, मदर सीड के नाम से जाना जाता है। तो गाइस आधार बीज को मातृक बीज या मदर सीड के नाम से जाना जाता है। तो गाइस पंजीकृत बीज, ये है बीज का निर्माण, बीज का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता, इस बीज का उत्पादन गाइस भारत के अंदर नहीं किया जाता, पंजीकृत बीज का उत्पादन भारत के अंदर नहीं होता है। और गाइस अगला आता है प्रमाणित बीज, इस बीज में आनुवांशिक शुद्धता सर्वाधिक सबसे कम पाई जाती है, शुद्धता सबसे कम पाई जाती है। और किसानों द्वारा उपयोग किया जाता है, किसानों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो गाइस प्रमाणित बीज है वो किसानों के द्वारा उपयोग किया जाता है, सर्वाधिक आनुवांशिक अशुद्धता पाई जाती है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, अगर अपन टैग के रंग की बात करें, इनके जो अपन बीज लेते हैं तो उनके थैलों पर टैग का रंग आता है, तो इनका टैग का रंग आता है केंद्रक और प्रजनक बीज के टैग का रंग आता है सुनहरा पीला। तो गाइस केंद्रक और प्रजनक बीज के टैग का रंग आता है सुनहरा पीला। अगला आता है गाइस आधार, आधार बीज के टैग का रंग आता है सफेद। आधार बीज के टैग का रंग आता है गाइस सफेद, और इसका आता है पंजीकृत बीज का, पंजीकृत शुरुआत हो रही है गाइस पी से, पी फोर टैग, पी फोर मतलब पर्पल, पर्पल मीन्स बैंगनी, बैंगनी रंग, और प्रमाणित का आता है नीला। तो गाइस ये बीज हैं
इनके टैग का रंग है सुनहरा पीला, सफेद रंग होता है आधार बीज का, बैंगनी रंग होता है पंजीकृत का, नीला रंग होता है प्रमाणित का। तो गाइस इंपॉर्टेंट अब तक पूछे गए क्वेश्चन तो इनमें से पूछे गए हैं, इन तीन के अंदर से गाइस अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कंपटीशन एग्जामों के अंदर। तो गाइस ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको ये सब चीज ध्यान रखनी है। आपको एक ट्रिक से ध्यान रखनी, केपी अपने आधार कार्ड को पंजीकृत प्रमाणित करवा के लाओ। तो गाइस इसको सीरियल से ही अपने को याद करना है। ऊपर ही ऊपर आता है केंद्रक बीज, केंद्रक के बाद आता है प्रजनक, प्रजनक के बाद आता है आधार, आधार के बाद आता है पंजीकृत, पंजीकृत के बाद आता है प्रमाणित। तो प्रमाणित सबसे नीचे है, तो इसका उपयोग किसानों द्वारा किया जाता है। इस बीज में आनुवांशिक शुद्धता सबसे कम पाई जाती है, प्रमाणित बीज के अंदर आनुवांशिक शुद्धता सबसे कम पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है मदर सीड के नाम से किसे जाना जाता है, तो मदर सीड के नाम से आधार बीज को जाना जाता है। तो गाइस ये है बीज का फॉर्मूला, ये अपन बीज ऐसे इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना, पूरा ट्रिक के साथ अपन ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। अगर वैसा आपको याद होना तो वैसा आपको याद रखना है। अगला गाइस इनसे अंदर से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन बता दूं मैं, पंजीकृत बीज बीज का क्वेश्चन बता दूं मैं गाइस, तो गाइस इनसे क्वेश्चन बनेगा पंजीकृत बीज के जनक कौन है, मतलब फादर। पंजीकृत बीज के जनक किसे कहा, किसे कहते हैं। तो गाइस इसका क्वेश्चन है पंजीकृत बीज का जनक, तो गाइस पंजीकृत बीज निर्माण किससे हो रहा है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो गाइस अपने को ट्रिक याद है, केपी अपने आधार कार्ड का पंजीकृत या प्रमाणित करवा के लाओ। तो गाइस आधार बीज इसके अंदर क्या पूछा, पंजीकृत। तो गाइस पंजीकृत बीज से ऊपर क्या आता है गाइस, आधार कार्ड। तो गाइस इसके अंदर ऑप्शन लिख लेते हैं अपन, केंद्रक, प्रजनक, आधार और चौथा प्रमाणित। तो गाइस पूछा क्या पंजीकृत बीज के जनक, तो पंजीकृत बीज गाइस किनसे बनता है, तो पंजीकृत से ऊपर क्या आता है गाइस, आधार, आधार फिर पंजीकृत फिर आता है प्रमाणित। तो गाइस ये टेबल याद होनी चाहिए, पंजीकृत बीज के जनक कौन है गाइस, तो पंजीकृत बीज के जनक है गाइस आधार बीज, आधार बीजों से ही पंजीकृत बीज का निर्माण होता है। तो गाइस ऐसे भी क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब पूछ ले प्रमाणित बीज के जनक कौन से, तो प्रमाणित बीज के जनक और अपन को पंजीकृत ऑप्शन में नहीं दिया है, तो प्रमाणित बीज के भी गाइस कौन होंगे, आधार। अगर इसकी जगह प्रमाणित होता तो भी आंसर आधार जाता, क्योंकि पंजीकृत बीज में दिया ही नहीं अपने को ऑप्शन के अंदर। तो गाइस इससे ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, या फिर पूछ ले गाइस आधार का, आधार बीज के टैग का रंग क्या होता है, तो आधार बीज के टैग का रंग होता है गाइस सफेद। ये चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए गाइस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला आता है गाइस सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था अपना अगला टॉपिक है। सुषुप्त अवस्था पढ़ने से पहले अपना मोटिवेशनल कोड, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जे उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की ही बात है। तो गाइस इससे अपने को मोटिवेशनल सीखना चाहिए कि अभी ज्यादा शोर मत करो, अभी गमों की रात, पढ़ाई का समय चल रहा है, अच्छे से पढ़ो, टाइम आएगा अपना धज्जे उड़ाने का। गाइस रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपन भी, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो गाइस अपन देखते हैं आगे आता अपना सुषुप्तता, सुषुप्त अवस्था क्या होती है गाइस, बीज जीवित होते हुए भी उसका अंकुरण नहीं होना। तो गाइस इसकी डेफिनेशन लिख लो, बीज जीवित होते हुए भी, बीज जीवित होते हुए भी उसका अंकुरण न होना,
सुसुप्त अवस्था कहलाती है। तो भाई सुसुप्त अवस्था की डेफिनेशन है, बीज जीवित होती हो भी उसका अंकुरण न हो पाना सुसुप्त अवस्था कहलाती है। अब भाई सुसुप्त अवस्था तीन प्रकार की होती है, यह तीन प्रकार की होती है। तो भाई पहली होती है इननेट सुसुप्त अवस्था, इंडिविजुअल सुसुप्त अवस्था। और गाइस तीसरी होती है इनफोर्स, इनफोर्स सुसुप्त अवस्था। तो गाइस ये तीन प्रकार की होती है, पहली होती है गाइस इननेट सुसुप्त अवस्था, दूसरी होती है इंड्यूस्ड सुसुप्त अवस्था, और तीसरी होती है गाइस, पहली इननेट के अंदर क्या होता है, बीजों के ऊपर कठोर परत जम जाती है, तो इननेट जो सुसुप्त अवस्था होती है उसमें क्या होता है, उसमें गाइस बीजों के ऊपर कठोर परत जम जाती है, या फिर बीज भ्रूण अपन उसको बोलते हैं, भ्रूण अपरिपक्व होते हैं, तो गाइस इसके अंदर होता क्या है यार, एक तो इसके अंदर सिंपली होता है इननेट के अंदर बीजों के ऊपर कठोर परत जम जाती है, या फिर जो भ्रूण है बीज है वो अपरिपक्व होते हैं, तो इसके अंदर तो होता है। अब गाइस इंड्यूज के अंदर क्या होता है, इंड्यूज के अंदर इसमें बीजों के ऊपर रसायनों तथा हार्मोनों का परत जम जाती है, और इसके अंदर गए सर्वाधिक हार्मोन की परत जमती है वो है एब्सिसिक एसिड, ये भी है हार्मोन। तो गए इसके अंदर तो क्या होता है हार्मोनों की, इसके अंदर बीजों में रसायनों तथा इंड्यूस के अंदर क्या होता है रसायनों तथा हार्मोनों की परत जम जाती है, तो इसके अंदर सर्वाधिक ए भी है एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड की परत जम जाती है हार्मोन है गाइस, ये तो हार्मोन की परत जमती है। अगला आता है गाइस इनफोर्स, इनफोर्स में क्या होता है गाइस अधिक गहरी बुवाई करने पर यह सुसुप्त अवस्था होती है, और इसके यह मुख्यतः खरपतवार में सर्वाधिक होती है, तो गाइस खरपतवारों के अंदर सर्वाधिक कौन सी सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, वो पाई जाती है इनफोर्स्ड सुसुप्त अवस्था, इनफोर्स्ड सुसुप्त अवस्था गाइस खरपतवारों के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब गाइस यहां नोट करके एक पॉइंट लिखो, जंगली जई एकमात्र ऐसी फसल है जिसमें तीनों सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, जंगली जय एक मात्र ऐसी फसल है जिसमें तीनों सुसुप्त अवस्था पाई जाती हैं। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखना, नोट करके पॉइंट लिखना, जंगली जय मात्र एक ऐसी फसल है जिसके अंदर तीनों सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, तो गाइस सुसुप्त अवस्था होती है तीन, इननेट इंड्यूस्ड एंड एनफोर्स्ड। तो इननेट के अंदर क्या होता है बीजों के ऊपर मोटी परत जिससे अपन खुरच के सुसुप्त अवस्था को हटा सकते हैं,
इंडिविजुअल क्या हार्मोनों तथा रसायनों का कम उपयोग करके उनको हटा सकते हैं। और गाइस इसका क्या कम गहराई पर बुवाई करने पर इनमें अपन सुषुप्त अवस्था को तोड़ सकते हैं। तो गाइस इसका एनफोर्स्ड जो होती है वो गहरी जुताई के अंदर होती है, गहरी बुवाई बीजों की गहरी बुवाई करने पर एनफोर्स्ड सुषुप्त अवस्था आ जाती है। और जंगली जई एकमात्र ऐसी फसल है जिसके अंदर तीनों ही सुषुप्त अवस्थाएं पाई जाती है। तो गाइस आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, आगे कल अपनी क्लास में पढ़ेंगे अपन और थोड़ा सा और बचा है इसके अंदर। तो गाइस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें गाइस। और गाइस हमसे जरूर से जरूर जुड़े, हम आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो गाइस हमसे जुड़ने की कोशिश करें और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें गाइस। मिलेंगे अगली क्लास में इसी टाइम इसी जगह, तब तक के लिए बाय।